इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ई साथी पोर्टल पर कैसे आप लॉग इन कर सकते हो, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, या फिर बोलते हैं तो आईडी पासवर्ड बना सकते हो। ठीक है, तो मेरा आईडी पासवर्ड बन चुका है। मैं चाहूं तो अभी सब मेरा आईडी यहां पे देख सकते हैं और पासवर्ड देख सकते हैं। कैप्चा कोड जो है वो फिलअप किया हुआ है पहले से ही, और वहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने पर डायरेक्टली मेरा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो यही सब आपको बताऊँगा कि आप कैसे आईडी पासवर्ड बना सकते हो ई साथी पोर्टल पर। ठीक है, और सिंपल सा सब यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, सिंपल सा इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक फॉर्म ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी दर्ज करें। यहाँ पे आप अपने मन से जो भी आईडी डालना चाहें, 6 से 8 अक्षर का वो डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आईडी डाल के यहाँ पे उपलब्धता की जाँच कर लें। ठीक है, आईडी डालने के बाद इस पर उपलब्धता की जांच करें, बटन पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये आईडी आप डाल सकते हो या फिर पहले से ही किसी ने डाल रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम, अपना नाम डाल दें। उसके बाद अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ डालें जो आधार पर हो, और उसके बाद आप यहाँ से लिंक सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप अपना एड्रेस डाल दें, पिन कोड डाल दें, यहाँ पर पिन कोड दिया है। ठीक है, यहाँ पर पिन कोड डाल दें। उसके बाद यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, और या मोबाइल नंबर डाल दें, मोबाइल नंबर ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास ईमेल है तो ईमेल भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैप्चा कोड को यहाँ पे सुरक्षा कोड दर्ज करें, पे क्लिक करके यहाँ पे इस इमेज पे जो लिखा है उसे यहाँ पे टाइप कर देना। उसके बाद सिंपल सा सुरक्षित करें पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आप उस ओटीपी को, वो वाला ओटीपी आपका जो है पासवर्ड के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो आपको यहीं पे सब काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर बैक आना है। बैक आने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे जो आपने यूज़र आईडी बनाया था वहाँ पे वो सिंपल सा यहाँ पे लिख देना। उसके बाद जो आपके पास ओटीपी आई थी आपके मोबाइल नंबर पे उसे यहाँ पे टाइप कर देना। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड है उसे टाइप कर देना। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नया फॉर्म आ जाएगा, और वहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप पासवर्ड, नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप फिर बैक आकर यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के सबमिट पर क्लिक करके लॉगिन हो सकते हो, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अभी। देख सकते हैं मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, उसके बाद सिंपल सा सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरा जो डैशबोर्ड है ई साथी पोर्टल का वो ओपन हो जाएगा, और सारी सुविधा मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है, और यहाँ पे कई सारे आपको जो है आवेदन कर सकते हैं, कई सारी आपको सुविधा मिल सकती है अगर इस वेबसाइट पे अगर आप आते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आय, जाति, निवास, दिव्यांग प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बहुत सारे यहाँ पे आप कागज़ जो है ऑनलाइन कर सकते हो, बहुत सारी सुविधा आपको मिल सकती है। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो इसके बारे में दूसरा वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, जिसमें आपको इसमें जो भी है आय, जात, निवास बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो कमेंट करना अगर इसकी फुल वीडियो चाहते हो, इस वेबसाइट को कैसे यूज करें। ठीक है, कितना कितना आप अगर आय, जात, निवास अगर बनाते हो आप तो कितना रुपए लगता है, और कितना जो है कि एक महीने में कितने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, वो सब बातें बताऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताया मैंने कि आप कैसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो ई साथी पोर्टल पर। ठीक है, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में मिलेंगे फिर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक करना इस वीडियो को, और शेयर करना इस वीडियो को, और अगले वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ वो भी कमेंट कर देना। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।